यूक्रेन रूस की जंग में अब तक नेटो सदस्यों की मदद के कारण यूक्रेनी फोर्स रूस के सामने टिकी हुई है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ इस मदद में कमी के संकेत मिलने लगे हैं और रूस भी कमजोर पड़ता दिखने लगा है। लेकिन अचानक हालात बदल गए। ब्रिटेन और जर्मनी ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने दरवाजे दरियादिली के साथ खोल दिए, जिससे रूस भड़का हुआ है। हालांकि इस उकसावे वाले हालातों के बीच अभी तक रूस ने कोई बारूदी कदम नहीं उठाया, लेकिन चेतावनी जरूर जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए ब्रिटेन और जर्मनी का वो कदम जो भविष्य में विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बन सकता है। यूक्रेन की सीमा पर बारूदी ज्वाला पर जमी बर्फ गुजरती सर्दी के साथ साथ काफूर हो गई। और मोर्चे पर एक बार फिर दहलाने वाली गड़गड़ाहट के साथ बारूद उगलने वाले हथियारों का डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। बास रीजन में मौजूद रूसी सैनिकों की मदद के लिए रास्ता खुल चुका है। हालांकि ये जमीनी मोर्चे पर मिलने वाली मदद है। इसमें टैंक हैं, आर्टिलरी है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, आर्मर्ड हैं, इन्फेंट्री आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और डिप्लॉय सेना के पास वॉर जोन में प्रैक्टिस वाला अनुभव भी है। तो क्या यूक्रेन में रूस फिर से तबाही मचाने जा रहा है? क्या रूस पूरे डोनबास रीजन पर कब्जा कर लेगा और क्या एडवांस्ड इन्फेंट्री वॉर से मंसूबे पूरे कर पाएगा? पहली नजर में जैसे हालात सीमा पर दिख रहे हैं उसके आधार पर सवाल सटीक लगते हैं। सच्चाई ये है कि तमाम सवाल मौजूदा हालातों के विश्लेषण के आधार पर औचित्यहीन हैं। आप सुनकर चौंक सकते हैं, लेकिन यही सच है। इन डिप्लॉयमेंट वाले हालातों के पीछे कारण कुछ और है। वॉर जोन ऑफ यूक्रेन, न्यू एक्शन, रूस बेचैन। ब्रिटेन जर्मनी ने डराया, रूस ने माहौल गरमाया। बारूदी हालातों को गरमाने के लिए कुछ पल की शांति के बाद सिर्फ तील की जमीन से चिंगारी का उठना ही काफी है। और यूक्रेन के वॉर जोन में यही हुआ। यही वजह है कि जंग के मैदान में टैंक और आर्टिलरी से जंग का एक नया दौर शुरू हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बारूद उगलने वाली मशीनों से जंग के नए दौर के लिए जिम्मेदार होंगे ब्रिटेन और जर्मनी। आपने बिल्कुल सही सुना, नाटो के सदस्य वो देश जो जंग में अमेरिका से ज्यादा प्रत्यक्ष दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन दिनों रूस अगर सबसे ज्यादा किसी पर भड़का है तो वो है ब्रिटेन और जर्मनी, क्योंकि ये दोनों देश यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद पहुंचा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। नाटो के दूसरे देशों को छोड़ दें तो ये दोनों देश नाटो के बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। और अगर सैनिकों की संख्या न गिने तो जमीनी हकीकत ये है कि जंग में जो जंग लड़ी जा रही है उसमें रूस इन दो देशों की वजह से ही ये युद्ध में कामयाबी या जीत हासिल नहीं कर पा रहा। हालांकि रूस की टेढ़ी नजर ब्रिटेन और जर्मनी पर पहले से है, लेकिन दोनों देशों ने रूस को अनदेखा कर दिया और वो मदद देने पर हामी भर दी, जिसने रूस को अपने टैंक्स और आर्टिलरी जीपों से निकालने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या है वो मदद जिससे रूस को बारूदी एक्शन के लिए भड़काया है
विस्तार से समझिए। ब्रिटेन ने मदद बढ़ाई, तबाही की घड़ी आई। जंग के पहले दिन से ही ब्रिटेन ने यूक्रेन को राहत और मदद पहुंचाई है। आर्थिक हालात खराब होने के बावजूद जंग में ब्रिटेन की दिलचस्पी से रूस की मुश्किलें बढ़ती रहीं। और अब एक बार फिर रूस की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने नई डील पर मुहर लगा दी। ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक देने का वादा किया था, लेकिन अब ब्रिटेन ने यूक्रेन को दोगुनी मदद देने का ऐलान कर दिया। पहले ब्रिटेन ने 14 चैलेंजर 2 टैंक देने का वादा किया था, लेकिन अब ब्रिटेन ने डील बढ़ाकर 28 चैलेंजर टैंक की कर दी है। इसके अलावा ब्रिटेन फ्रंट लाइन पर 30 आर्टिलरी भी यूक्रेन को देगा। और ये सब कुछ यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की ब्रिटेन यात्रा के बाद हुआ है, जिससे जमीनी जंग में यूक्रेन को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक की ताकत से रूस भी परिचित है। इस टैंक की परफॉर्मेंस खाड़ी युद्ध में दुनिया देख चुकी है, और इसकी खासियत की बात करें तो चैलेंजर 2 टैंक का वजन 65 टन है। इसकी लंबाई 13.5 मीटर है, जो 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस टैंक में 4 लोग सवार हो सकते हैं, जो 55 कैलिबर गन से दुश्मनों पर कहर बरपा सकते हैं। इसके अलावा टैंक को और खास बनाती है इसकी पख्तरबंद तकनीक। जाहिर है यूक्रेन को अगर ये टैंक मिलता है तो फिर जंग के मैदान में रूसी फोर्स पर भारी भी पड़ सकता है। इसलिए रूस इस डील को ब्रिटेन के उकसावे की कार्रवाई के तौर पर महसूस कर रहा है। लेकिन अब दूसरे मोर्चे पर रूस को भड़काने वाले देश की मदद को जानिए। जर्मनी का एक कदम रूस पर जीत कदम। यूरोप में रशियन गैस और ऑयल का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर जर्मनी कभी रूस के खिलाफ जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन यूरोपियन पक्ष की मजबूरी में जर्मनी को रूस से दुश्मनी मोल लेनी पड़ी, और ये दुश्मनी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां जर्मनी को यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार मान लिया जाएगा। ऐसा क्यों, इसे समझिए। जर्मनी ने यूक्रेन के साथ एक बड़ी डिफेंस डील कर ली है। डील के तहत यूक्रेन में जर्मनी टैंक प्लांट खोलने जा रहा है। दावे के तहत जर्मनी यूक्रेन में $212 मिलियन निवेश करने जा रहा है, और इस प्लांट में जर्मनी पैंथर KF-51 टैंक का निर्माण करेगा। इस टैंक की यूनिट की क्षमता एक साल में 400 टैंक निर्माण की होगी। इसके अलावा जर्मनी 14 नए लेपर्ड 2 टैंक देने पर भी हामी भर चुका है। वहीं 88 पुराने लेपर्ड टैंक भी यूक्रेन भेजने पर सहमति हो चुकी है। यही वजह है कि रूस ने भी जमीनी जंग के लिए बारूदी तैयारी शुरू कर दी है, और टैंक के जरिए ही मोर्चा खोलने की तैयारी के तहत रूस आगे बढ़ रहा है। जर्मनी के एक्शन से रूस का संकट बढ़ रहा है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि उसी एक्शन के हिसाब से रूस का रिएक्शन भी देखा जाएगा, जिसके तहत टैंक और आर्टिलरी का डिप्लॉयमेंट नए सिरे से शुरू भी हो चुका है। और ऐसे में आगे आने वाले वक्त में ये माना जा रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से रूस के टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन और जर्मनी ही होने वाले हैं। ब्रिटेन और जर्मनी के खिलाफ रूस के एक्शन प्लान का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन रूस से इतना जरूर बता दिया है कि यूक्रेन के बड़े मददगार बनकर उभरे दोनों देशों पर रूस एक्शन ले सकता है। कैसे रूस ने अपना गुस्सा जाहिर किया, इसे देखिए। रूसी सरकार के मुखपत्र में ब्रिटेन की निंदा की गई है। ब्रिटेन की डील को रूस के लिए भड़काऊ बताया गया। दूसरी तरफ टैंक प्लांट की योजना पर रूस ने जर्मनी के लिए चेतावनी जारी कर दी। रूस ने जर्मनी को आग से ना खेलने की नसीहत दी।
लेकिन ये भी तय है कि ना तो ब्रिटेन का फैसला बदलेगा ना ही जर्मनी का, यानी रूस के सामने अब टैंक युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। हालांकि रूस को इस तरह के युद्ध की पहले से ही आशंका थी, इसलिए टैंक मैन्युफैक्चरिंग रूस में बड़ी तादाद में पहले से शुरू हो चुकी है और अब यही टैंक जंग के मैदान में उतर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।